हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसानी से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी। हैदराबाद के हर घर में इस सालन को तो ज़रूर बनाया जाता है। इस सालन का नाम है आलू मेथी गोश्त। इस सालन को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। आज हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मज़ेदार सा हैदराबादी आलू मेथी गोश्त बनाना स्टार्ट करेंगे। इस सालन के लिए इस तरीके की छोटी मेथी की भाजी को यूज़ किया जाता है, जिसमें इस तरीके के दो पत्तियां हों। अगर ये मेथी की भाजी इस सालन में डालेंगे तो सालन का जायका बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास ये मेथी की भाजी अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल मेथी की भाजी से भी ये सालन बना सकते हैं, वो सालन भी बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अगर इस तरीके की छोटी मेथी यूज़ करेंगे तो इसमें मेथी की भाजी बिल्कुल कम डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा। चलिए पहले हम मटन में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे। आप चाहे तो ये सारा प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। अब डालते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हसबे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। अब इसमें डालते हैं 3 कटी हुई हरी मिर्च। अब डालते हैं फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स। मीडियम साइज के 2 ऑनियन को इस तरीके से कट करके डालेंगे। इस सालन में बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मज़ेदार सा सालन बना सकते हैं। इस सालन में एक बड़े साइज का आलू और मेथी की भाजी भी डालेंगे। वो कब डालना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम सालन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं बड़े साइज़ का एक आलू इस सालन में डालूंगी, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैरिनेट किए हुए मटन को अब हम कुकर में शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ये सारा प्रोसेस कुकर में कर सकते हैं। मटन में मसाले मिलाने के बाद आप चाहे तो 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट यानी प्याज हल्की सी नरम होने तक पकाएंगे। प्याज हल्की सी नरम होने तक इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो 4 से 5 मिनट में प्याज नरम हो जाएगी। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर इसे हाई फ्लेम पर पका सकते हैं और थोड़ी देर गैस की फ्लेम मीडियम करके भी इसे पका सकते हैं। देखिए प्याज हल्की सी नरम हो रही है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। इसी तरीके से इसे और थोड़ी देर पका लेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के सिंपल और मज़ेदार से रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखिए प्याज तकरीबन 50% पक चुकी है, इसका कलर भी बढ़िया आ रहा है। इसी तरीके से और थोड़ी देर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए प्याज तकरीबन 80% तक पक चुकी है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। गोश्त को गलाने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत होगी बिल्कुल उतना ही पानी डालकर गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। पानी डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पर लिड लगाकर 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट रखेंगे। इतनी देर में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तकरीबन 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर कुकर की स्टीम निकलने का वेट करेंगे, तब तक गोश्त अच्छे से गल जाएगा। देखिए कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब हम लिड निकाल कर चेक कर लेंगे गोश्त गला या नहीं। अगर नहीं गला हो तो और थोड़ी देर गला लेंगे। किसी कुकर में गोश्त गलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो किसी कुकर में कम टाइम लगता है। मेरे कुकर में बिल्कुल 7 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाता है। आपके कुकर में गोश्त गलने के लिए चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन गोश्त को अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए गोश्त तो अच्छे से गल चुका है।
चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। ज़्यादातर लोग गोश्त को गलाने के लिए गोश्त में ज़्यादा पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 विसिल आने तक पकाते हैं। हाई फ्लेम पर ज़्यादा विसिल आने तक पकाने पर गोश्त का जायका ख़राब हो जाता है, इसलिए सिर्फ एक विसिल आने तक हाई फ्लेम पर पका के इसके बाद हम लो फ्लेम पर यानी दम पे गोश्त को पकाएंगे तो इसका जायका बहुत बढ़िया रहेगा। कटे हुए आलू के पीसेस को गोश्त में डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर लिड लगाकर आलू को गला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इस पर बिना लिड लगाए ढककर भी आलू को गला सकते हैं। इस तरीके से पकाने पर आलू को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सालन का जायका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इसे लिड लगाकर भी आलू गलने तक पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आलू अच्छे से गल गया है, सालन का कलर भी बिल्कुल बढ़िया आया है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं मेथी की भाजी। मेथी की भाजी को अच्छे से धोने के बाद कट करके डालेंगे। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, अगर आप छोटी मेथी की भाजी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेथी की भाजी इसमें ना डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा। अगर आप बड़ी मेथी की भाजी डाल रहे हो तो उसे ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेके लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लेंगे। इस सालन को आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर इस सालन में इस तरीके की छोटी मेथी की भाजी यूज़ कर रहे हो तो इसके जड़ों को कट करके फेंक देंगे। इसे अच्छे से धोने के बाद काड़ियों के साथ ही इसे कट करके सालन में डालेंगे। बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाला आलू मेथी गोश्त को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका जायका बहुत ही लाजवाब रहेगा। लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन इसे 1 मिनट हो गए हैं, आलू भी अच्छे से गल गया है। देखिए इसका कलर कितना शानदार आया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। देखिए ये तो पक चुका है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे, गर्मा गर्म पराठा रोटी या फिर वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।